मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ी हूँ, मैंने बीएससी एमएससी एलएलबी वहीं से की, और जो मेरा पीरियड है पढ़ाई का, जब नरेंद्र मोदी की एमए की डिग्री बताते हैं उसी पीरियड की बताते हैं बीए और एमए की, तो मेरे से ज्यादा कौन जानेगा कि यूनिवर्सिटी के अंदर मोदी था कि नहीं। अरुण जेटली तो मेरे कुलीग थे, विजय गोयल मेरे कुलीग थे, ये सब तो मेरे साथ ही पढ़ते थे, ये एबीवीपी में थे, मैं ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन करती थी, मैं सभी एनएसयूआई के, एबीवीपी के, एसवाईएस समाजवादी यूजन सभा के, एसएफआई के, आईएसएफ के सब नेताओं को जानती थी और जानती हूँ जो अलग अलग जगहों पे नेतृत्व कर रहे हैं। मैंने जितनी डिग्रियां पास की वो सारी हस्तलिखित है, क्योंकि उस जमाने में हाथ से डिग्री लिखी जाती थी। तो फिर नरेंद्र मोदी की डिग्री टाइप डिग्री कहां से आ गए, पूछिए इनसे, इनसे ये पूछिए कि जब टाइप भी कराना था तो निकम्मों कम से कम सोच तो लेते, जो फॉन्ट टाइपिंग का कंप्यूटर पे फॉन्ट अभी हिंदुस्तान में दुनिया में आया भी नहीं था, वो डिग्री उस फॉन्ट में टाइप करके उनको दी गई है। तो झूठ की तो कोई सीमा नहीं है ना। जिस रेलवे स्टेशन पे चाय बेचने का नाम लेके लोगों से हमदर्दी ली, वोट पाई, तो हमारे जैसे किसी नागरिक ने रेलवे में एक चिट्ठी डाली सूचना अधिकार कि ये रेलवे स्टेशन कब बना। अब उस अधिकारी को तो पता नहीं था क्यों पूछ रहे, उसने जवाब में बोला कि 1973 में बना। अब नरेंद्र मोदी कब पैदा हुए, 1949 में, तो 1973 में वो कितने साल के हो गए, 24 साल के थे। तो वो रेलवे स्टेशन जब ये 24 साल के हुए तब वो रेलवे स्टेशन बना और वहां रेलवे गाड़ी रुकनी शुरू हुई, तो नरेंद्र मोदी ने उस रेलवे स्टेशन पे